नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगाय है। आज हम लोग बनाने वाले हैं मुंबई के फेमस डिश पाव भाजी। ये पाव भाजी मैं अपने सीक्रेट मसाले के साथ में बनाने वाली हूँ। देखते हैं क्या सीक्रेट है। पाव भाजी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले है ये बॉइल्ड मटर है। मटर को 2 से 3 सीटी आने तक पका लिए हैं अच्छी तरह। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है, इसी तरह पकाना है। बॉइल्ड आलू है, पोटैटो, इसे अच्छी तरह बॉईल किए हैं और मैश करके। आलू, बीन्स है बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन की पेस्ट, जीरा, सौंफ, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सीक्रेट मसाला है। इसमें क्या क्या है मैं आगे में बताऊंगी। राई है, हल्दी पाउडर, ये स्वादानुसार नमक, प्याज है बारीक कटी हुई और पाव के लिए पाव। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाजी। अगर आपकी भाजी बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आपकी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो पाव भाजी के लिए सबसे पहले भाजी बना लेना है हमें। भाजी बनाने के लिए गैस ऑन करें। गैस में कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डालें। तेल में ही जीरा डालें, सौंफ डालें और राई डालें और इसी में ही प्याज डालें। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसके बाद में चटनी डालें। चटनी को अच्छी तरह पका लें, इसका जो कच्चापना है वो जाना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 मिनट पका लें। ये पक गया है, इसमें ही बीन्स डाल लें। बीन्स की जगह में आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, फूलगोभी को ग्रेट करके ले सकते हैं, पत्ता गोभी को ले सकते हैं। इस तरह कोई भी आप अपने पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही पकाना है। इसके बाद में इसमें ही लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालें, ये बहुत ज़्यादा तीखा लाल मिर्च नहीं है, सिर्फ हम लोग कलरिंग के लिए डाल रहे हैं। इसमें ही गरम मसाला डालें, हल्दी पाउडर डालें और मैं जो बोल रही थी सीक्रेट मसाला ये डालें। इसमें ये सीक्रेट मसाला ये है कि हम लोग थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया को अच्छी तरह रोस्ट कर लिए हैं, हल्का तवे में भून लिए हैं। भूनने के बाद में इसकी पेस्ट पाउडर तैयार किए हैं और वो हमारा मसाला तैयार है। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी में। स्वादानुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह मसाले को साथ में भूनें। ये पक गया है आधा, इसमें थोड़ा सा पानी डालें। और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट पका लें। ये पक गया है, इसी में ही मटर डालें पकाया हुआ। पोटैटो डालें मैश किया हुआ। इस तरह भाजी बनाई, इसे बहुत अच्छी तरह मैश करना है हमें। और जब आप पोटैटो बना रहे हैं तो पोटैटो जब आप पका रहे हैं तो पोटैटो अच्छी तरह पकी हुई होना चाहिए और जो मटर है वो भी अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए। मटर पकाते समय आप थोड़ा सा उसमें नमक डालें, थोड़ा सा हल्दी डालें, उससे मटर का कलर भी अच्छा दिखता है और बहुत ही आसानी से पक जाती है। थोड़ा सा खाने का सोडा भी डालें, इससे भी बहुत जल्दी पक जाता है और अच्छी तरह पकता है। इसे बहुत ही अच्छी से मैश करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालें कम से कम 1 कप के करीब पानी डाली हूँ मैं और इसे अच्छी तरह मैश करते हुए पका ले। थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए टमाटो केचप डालें। इससे बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है, हल्का खट्टा लगता है, हल्का मीठा आता है। और इसे पकने दें। जब तक कि हमारे भाजी पक रहा है तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, पाव को काट लेते हैं बीच से। इस तरह काट ले, इसी तरह सभी पाव काट ले और
तवा गरम करने हम लोग रख दिए हैं। तवा गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाले, आप बटर भी डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद में इसे थोड़ा पका ले, इस तरह ऊपर से थोड़ा सा तेल डाले। इसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए पकाए। हमारे पाव पक गया है, इसे निकाल ले और भाजी भी पक गया है, गैस बंद कर ले। हमारे भाजी रेडी है, पाव भी रेडी है, इसे सर्व करें। देखिए कितना सुंदर दिख रहा, कलरिंग भी बहुत ही अच्छे से कलर आया है।